अस्सलाम प्यारे बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप अगर किसी ऐसी परेशानी में मुब्तला हैं, जादू, जिन्नात, साया, आसेब, बंदिश, काली नज़र, काला जादू, सफली इलम, तो आप मदरसा फातिमा ज़हरा से मदद हासिल कर सकते हैं। आपकी इंशाल्लाह ज़रूर मदद की जाएगी। आप अपनी बहन को एक दफ़ा पुकारें, इंशाल्लाह लब्बैक बोला जाएगा। अमल शुरू करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से शुरू करते हैं, कुरान पाक की तलावत किया करो, इसलिए कि क़्यामत के दिन अपने साथी यानी पढ़ने वाले की शफाहत करेगा। शफाहत करने से, जैसे हम कभी किसी के परेशान कोई हो या कोई नुकसान हो या कोई परेशानी आती हो, मदद करते हैं ना, या कोई उससे नुकसान हुआ हो तो हम उसके लिए खड़े होकर दलील देते हैं, ठीक है। इसी तरह कुरान पाक जब हम पढ़ते हैं ना, तो वो हमारी पुकार सुनते हैं और क़यामत के दिन अल्लाह पाक को कहेंगे कि अल्लाह पाक, इन्होंने मुझे पढ़ा था, इनको माफ़ कर दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा दे। तो प्यारे बहन भाइयों, मुश्किल वक़्त, परेशानी के वक़्त अल्लाह को याद करें। पैसा नहीं है, घर में माल नहीं है, दौलत नहीं है, रिस्क नहीं है, अल्लाह से फरियाद करें। लंबी उम्र के लिए, अपनी उम्र की लाजिम नहीं है कि आपकी उम्र छोटी है या बड़ी है, जो भी उम्र में आप हैं, उसके अंदर बरकत के लिए, दराज उम्र के लिए, हाजत रवाई के लिए, अपना मकसद पूरा करने के लिए ये दो लफ्ज़ काफ़ी हैं। इनका पढ़ने का तरीका बहुत ख़ास है, जो कभी भी किसी ने नहीं बताया। इतवार वाले दिन ये अमल आपने शुरू करना है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, नमाज लाजिम है, 11 बार या हय्यू या क्यूम पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा या हय्यू या क्यूम, ये नक्श अपनी सीधी बाजू पर बांधना है 3 दिन। सिर्फ इसलिए ये नक्श बांधना है कि अगर आपने जॉब, जैसे कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, किसी ऑफिसर के पास जा रहे हैं, ये उन बहन भाइयों के लिए। एक मेरी बहन है जो कतर में है, ये बहना अगर सुन रही हैं तो ये आप उनके कोई जैसे कफील होते हैं या कोई अफसर होता है, वो मान नहीं रहे तो भाई लोग भी अपनी बाजू पे बांध के उनके सामने हाजिर हों, तो वो आपसे राजी होंगे और इंशाल्लाह आपकी बात भी मानेंगे। ये नक्श 3 दिन बस बांधना है अपने काम के लिए। जब आपका काम हो जाए उतार दें। जब आपको चाहिए रिस्क, बाहर जाना, किसी से पैसे लेने हैं, तो ये नक्श बांध दें। किसी के पास उधार है, कर्ज नहीं दे रहा, कहना नहीं मान रहा, या बीमारी है लंबी उम्र के लिए, 3 दिन ये नक्श बांध दें, अल्लाह पाक करम करेंगे। हाजत रवाई, मकसद पूरा ना होता हो, कोई भी हाजत, किसी भी किस्म की हाजत है, ये नक्श अपनी बाजू सीधी पे बांध लें, हाजत पूरी हो जाएगी। अब या हय्यू या क्यूम को पढ़ने का तरीका देखें। जब ये नक्श बांध लें, जब आपने घर से, फर्ज करें ये आपका एक घर है, ये चार कोनों का एक घर है, ये घर का दरवाजा है, ये आप यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, इस जगह पर घर के दरवाजे के अंदर, अंदर वाली, बाहर वाली साइड पर नहीं, अंदर वाली साइड पर आप खड़े हैं। अब आपने खड़े होकर या हय्यू या क्यूम को 11 बार पढ़ना है, या हय्यू या क्यूम 11 बार। जहां कदम रखेंगे कामयाबी होगी, जहां जाएंगे, जिस मकसद के लिए भी जाएंगे, कामयाबी होगी। माल दौलत, पैसा, रिस्क, हाजत, बीमारी के लिए अगर घर से बाहर निकल रहे या हय्यू या क्यूम पढ़ाए, वापस तंदुरुस्त आएंगे। कोई हादसा होना होगा, जिंदगी बच जाएगी, वापस जिंदा आएंगे। हाजत, कोई भी परेशानी, कोई तकलीफ है, हाजत रवाई का अमल है, घर से पढ़कर निकलना ज़रूरी है, आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। कितनी भी बड़ी हाजत है, कितना भी बड़ा मसला है, पूरा हो जाएगा। अपना मकसद पूरा करने के लिए ये अमल ज़रूर करें। किसी भाई की दुकान है,
किसी भाई का कारोबार है, ये नक्श और या हयू या कयूं, बस इनसे आपका तल्लक इतना गहरा होना चाहिए, हर वक्त आपकी ज़ुबान पे जारी होना चाहिए। यकीन माने, दौलत, पैसा, रिस्क और लंबी उम्र हयाती और बीमारियों को रोकेगा और लंबी हयाती अता फरमाएगा। तो अल्लाह पाक आपके घर फरिश्तों को भेज देंगे, ये बच्ची है, ये बच्चा है, इसके घर रिस्क गैब से आना शुरू हो जाएगा। माँ बाप अपनी औलादों के लिए करें, बहनें अपनी भाइयों के लिए करें, अगर हस्बैंड वाइफ है तो मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए करें, औरतें घरों से बाहर नहीं जा सकती तो अपने शोहर के लिए करें, अगर कोई माँ है अपने बेटे की उसकी जॉब लगनी है वो कर सकती हैं, वो ये अमल करें। बेटा या है या कयूम पढ़कर चला जाए, नक्श माँ बना दे, नक्श बहन बना दे, अगर ये नक्श कोई खातून बनाएगी ना तो ये अफजल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके दिल नरम होते हैं, ख्वातीन के दिल नरम होते हैं। आपके लिए ये इतना ख़ास अमल है, आपको कभी भी कोई नहीं बताएगा। ये घर से जब आप बाहर निकलेंगे आपका मकसद पूरा हो जाएगा, फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे, या कयूम के जो ताबे फरिश्ते हैं वो आपके लिए दुआ करेंगे, रो रो के अल्लाह पाक से गिड़गड़ा के दुआ करेंगे, अल्लाह पाक इस बंदे ने मुझे पढ़ा है, इसकी दुआओं को पूरा कर दे। आपकी जितनी भी हाजत परेशानी है, अल्लाह पाक इन फरिश्तों की खातिर आपकी मुश्किल को, परेशानी को ख़त्म कर देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपको खैर की खबर होगी और हर जगह आपको, हर कदम पर आपको कामयाबी अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। ये अमल आप ज़रूर करें, इंशाल्लाह कभी भी आपको ये अमल आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। जो हमारे चैनल पे आपको जिस तरह की अमलियात सिखाई जा रही हैं, आप सीखें, सीख कर लोगों को बताएं, आमिल खुद बने, तो फिर देखिएगा इंशाल्लाह ताला लोगों की मदद करें, लोगों की मदद करें। इंसानियत की जान बचाना, एक इंसान की जान बचाना ऐसे है कि पूरी दुनिया खलकत की जान बचाने के बराबर, सुभान अल्लाह। तो आप भी मदद करें एक दूसरे की, आपकी मुश्किल भी आसान हो जाएगी, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक ऐप पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें जरूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी, कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीजें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं। जज़ाकअल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रابطہ करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फन या एंटरटेनमेंट नहीं है, अपना भी टाइम जाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना जाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती। जज़ाकअल्लाह।